यही कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा स्टार्टिंग में थोड़ा हाथ निकले लीजिए, यहाँ पर देखिए, फिर वहाँ पर क्या पढ़ने ऐसा करो हाँ, खाली यहाँ पर देखिए। अरे अरे एक बार और यहाँ पर देख लो। ये देखो कितना बेटर है। हाँ, ये स्टोरी मैडम, ये स्टोरी। चलो बाय गाइस, काम करें ना, एक रील्स वाला दे सकते हो मस्त। क्या दूं, बोलो। कैसे हैं सब? बहुत बढ़िया। रोशनी जी, आप बोल रहे थे ठंडी बहुत लग रही है। बहुत ठंड है यहाँ पे। तो ठंडी में क्या कहना चाहोगे आप? कैसा जा रहा है आपका ठंड? विंटर कैसा जा रहा है? विंटर कैसा जा रहा है? काश ऐसा ही वेदर बॉम्बे में हमेशा रहे और सब लोग इतने अच्छे से जैकेट वैकेट पहने। तैयार हूँ। कश्मीर वाली फीलिंग, पब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। कश्मीर वाली फीलिंग कितनी आ रही है? कश्मीर वाली फीलिंग तो नहीं है यहाँ पे, बट दिल्ली जैसी फीलिंग है। बहुत अच्छी लग रही है। मैं हर बार ठंड में दिल्ली जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार मैं नहीं गई, लेकिन स्टाइल तो देखो, ठंड नहीं लग रही। नहीं लग रही है, थोड़ा थोड़ा ठंड नहीं, स्टाइल ज्यादा। रोशनी जी, अभी जैसे कि आपके फ्रेंड मतलब खास दोस्त को क्या हो गया, कोविड सिद्धार्थ भाई को, तो कितना मतलब क्या कहना चाहोगे? मैं कहूँगी कि टेक केयर और आई होप जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे भी पता है कि तीन बार बेचारे ने कोविड का टेस्ट लिया था। और एक बड़ी खबर है कि दो दिन के बाद चिंकी मिनकी जी को भी हो गया है शायद। अरे इंजरी हुई है, डांस डांस करते करते इंजरी हुई। मुझे नहीं नहीं, वो बेड का वो फोटो डाला था उन्होंने। हाँ, देखा मैंने। उन दोनों में से किसी की तबीयत खराब हो गई ना, कौन है? हमें भी अब तक नहीं पता कौन है, चिंकी और मिंकी। मैं आज तक मैं उनको इतनी बार मिली हूँ, मुझे कभी समझ में नहीं आया। मैंने उनसे फोन पे भी बात हुई और मैंने बोला यार, मैंने सोचा मैं तुम लोग को रिंग से यू नो ऐसे डिफरेंस बता पाऊंगी, पर तुम लोग रिंग भी सेम पहनते हो। अच्छा, एक सेकंड, आप फोन करते हो उनको तो आपको कैसे आपको पता चलता है कौन फोन उठाया? मैं बोलती हूँ अच्छा उसकी तबीयत कैसी है। मैं नाम नहीं लेती। ओ माय गॉड, तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो? पता चल जाएगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते नहीं होता। और ये इतना बड़ा टैलेंट है, बताओ क्या आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे? मतलब नेक्स्ट लेवल ट्विंस है वो लोग। और आज बिग बॉस के घर के बाहर राखी जी आए, राखी जी ने काफी धमाका किया। मुझे क्या कहना चाहोगे? हो गए, अभी 10:30 हो गए, आउट हो गए। मुझे तो नहीं पता था ये, मुझे देखना था घर जाके। आप सपोर्ट कर रहे थे लग रहा है उसको। नहीं यार, पर वो बहुत एंटरटेनिंग है, ऑफ कोर्स सबने एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट वो रहेंगी। और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। फिनाले कब है? दो दिन में ना? दो दिन, एक तारीख को है। एक तारीख, 30 तारीख को कि अब वापस एक्सटेंड हो रहा है? नहीं नहीं, अभी एक्सटेंड नहीं होगा। कौन है आप लोग का फेवरेट कंटेस्टेंट? जो थे वो निकल गए। करण, आपका तो फेवरेट पता है, आपका फेवरेट कौन है? आपका फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट कोई नहीं है। आई थिंक सबने इक्वली मेहनत की है, पर मुझे पर्सनली शमिता और प्रतीक बहुत अच्छे लगे। क्या बात है? प्रतीक क्योंकि यार वो बहुत यंग है, उसने इतनी मेहनत की है और वो अपने मेंटर्स के साथ खेल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। आपको कब देखेंगे बिग बॉस के घर पे? अभी तो नहीं। जाओ ना, जाओ मैं। हाँ, मुझे करोगे सपोर्ट? क्यों करेंगे ना, पहले से बोल के रखना पड़ेगा कि विनर में होंगे। खतरों के खिलाड़ियों में जाना चाहोगे? नहीं यार, खतरों के खिलाड़ी अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं हाइट में छोटी हूँ, तो मुझे पता है वहाँ के स्टंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो मुझसे नहीं होगा। डांस रियलिटी शो में चले जाए, नच बलिए हो गया। चलो, नच बलिए के लिए बॉयफ्रेंड चाहिए, वो मिल जाएगा ना कहीं? नहीं है आपके पास? अनुष्का, सच्ची अनुष्का भी छोटी थे ना? अनुष्का सेन भी छोटी थी खतरों के खिलाड़ी के लिए, आप जा सकते हो। अरे पर फिर उसको भी कितनी प्रॉब्लम हुई थी उसकी हाइट को लेकर। आई थिंक वो तो होता ही है। नहीं, डांस काफी अच्छा, काफी अच्छा खेला, काफी अच्छा खेला था उन्होंने। आप भी अच्छा खेल सकते हो। डांस वाला अच्छा रहेगा, डांस वाला ना, अगर बॉयफ्रेंड अगर आ जाता है तो फिर आप जा सकते हो। बिना बॉयफ्रेंड के भी डांस शोज होते हैं। नहीं, लेकिन रियलिटी शो, रियलिटी शो की बात कर रहे हैं हम। हमने shaadi.com खोल दिया है। कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए। कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, सब खत्म है, सब खत्म। 2021 में 22 में आ जाएगा 2000। हाँ, होपफुली अब कुछ बड़ा करना है, तो कुछ कैसे रोल देखते हो? कैसे रोल देखते हो? हिस्टोरिक, बिकॉज यू हैव डन हिस्टोरिक रोल आल्सो, सो किस तरह के रोल्स आप
देख रहे हो? आई थिंक बहुत ही डिफरेंट, क्योंकि जो मेरा पिछला सीरियल भी था वो इतना अच्छा था, तो आई थिंक डिफरेंट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. रुके. तुम हमेशा मुझे ऊपर खड़ा कर देते हो यार. फोटो के लिए वहाँ पर लाइन. नहीं, यहाँ पर ठीक है. क्या है बस वहाँ पर ठीक है. फोटो ले लेते पहले आपका.